आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के जियलपुर कोतवाली के मुख्य कस्बे में 2013 में बहुचर्चित पूर्व एमएलए सर्वेश सिंह सिपू हत्याकांड मामले में आजमगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने कासगंज जेल में बंद कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 9 आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा का फैसला लिया है। हाल की सजा का ऐलान 2 दिन बाद किया जाएगा। बता दें कि इस बहुचर्चित हत्याकांड मामले को लेकर कई दिनों से लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। मंगलवार को फैसले के बाद अब सभी आरोपियों की सजा अवधि निर्धारण का इंतजार है। मामले में कुंटू समेत 4 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे, बाकी अन्य यहां पर कोर्ट में लाया गया था। इसके अलावा कुल 9 में से 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। बता दें सीबीआई ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें एक के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी, जबकि एक अन्य गिरधारी मुठभेड़ में मारा गया था। आज सगड़ी के एक्स एमएलए सर्वेश सिंह मर्डर केस में न्यायालय में फाइल जो है निर्णय के लिए सुनिश्चित थी। माननीय न्यायालय ने आज निर्णय सुनाया, जिसमें 9 लोगों को, ध्रुव सिंह व उनके 8 अन्य साथियों को धारा 120 बी 302 में दो सिद्ध किया तथा 4 अभियुक्तों को धारा 147 में दो सिद्ध किया और एक अभियुक्त को धारा 201 में भी दोषी करार दिया। एक धारा लगी हुई थी अभियुक्त विजय यादव पर कि मर्डर करने के बाद उसने अभियुक्तों को संरक्षण दिया था, लेकिन न्यायालय ने उसे आरोपित नहीं पाया और इसलिए उसको धारा 212 आईपीसी में दोष मुक्त करार दिया। माननीय न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है। कुल 9 लोगों को सजा हुई है इस केस में, जिसमें ध्रुव सिंह व उनके 8 अन्य साथियों को। कुल अभियुक्त 13 थे। ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई, एक अभियुक्त जुबनाइल था, उसका ट्रायल अभी जुबनाइल बोर्ड में चल रहा है। 2 अभियुक्त 313 के स्तर पर फरार हो गए, इसलिए केवल 9 लोगों का ही विचारण हुआ और 9 लोगों को ही सजा सुनाई गई। कोर्ट नंबर 6 गैंगस्टर स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट से। इस ट्रायल में वादी के अधिवक्ता श्री स्वामीनाथ यादव जी भी रहे। ट्रायल में उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और हम लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश दे करके अपने अनुभव को साझा करते हुए वादी मुकदमा की तरफ से इस केस की पैरवी की थी। सीबीआई को ये केस गया था 2013 में, जिसमें ये लोकल पुलिस का थाना जियनपुर का केस था। विवेचना के लिए स्थानांतरित हुआ जब, तो पहले से 11 लोग को लोकल पुलिस ने चार्जशीट कर रखा था। 2 अभियुक्तों के खिलाफ एविडेंस और आया, इसलिए सीबीआई ने कुल 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।